Okay students, in this video we are again going to continue the chapter How do organisms reproduce? Students, in the last video we were discussing why the sexual mode of reproduction, that is that why the organisms opt for sexual mode of reproduction. We have discussed that during the formation of new cells DNA copying takes place, that is जब भी बच्चा एक नया सेल बनता है तो DNA copy होना must होता है. Next क्या कहता है? Next कहता है Errors in DNA copying results in variation in organisms. ये बात मैं आपको कम से कम 3-4 बार रिपीट करा चुकी हूँ कि DNA copying में errors आते हैं and there those errors are known as variations. और variations helpful होते हैं बेटू. Variations are helpful for ensuring the survival of organisms. Organisms का survival ensure कराते हैं. ये कहता है इफ डीएनए कॉपिंग इज लेस एक्यूरेट, अगर डीएनए कॉपिंग लेस एक्यूरेट है या उसमें ज्यादा वेरिएशंस हैं या एक्सेस ऑफ वेरिएशंस हैं तो सेल विल डाई, तो सेल क्या हो जाएगा? मर जाएगा. देयरफॉर टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ वेरिएशन द सेक्सुअल मोड ऑफ वेरिएशन इज देयर. हम लोगों ने पढ़ा था कैसे, क्योंकि हर एक के अंदर नई वेरिएशन तो आती आती है. देखो मैं क्या कह रही हूँ, अर्जुना गुप्ता वॉज फॉर्म्ड बाय अजय कुमार गुप्ता एंड उपासना गुप्ता, वाइल मिस्टर अजय कुमार गुप्ता एंड मिसेज उपासना गुप्ता वर हैविंग डिफरेंट पैटर्न ऑफ वेरिएशन. इन दोनों में तो वेरिएशन अलग अलग थी. अलॉन्ग विद दैट एक मेज में इनमें से आई, एक इनमें की आई, एंड दे आर ऑल्सो हैविंग एक्यूमिलेटेड वेरिएशन, एक्यूमिलेटेड वेरिएशन फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन. देखो देखो बेटा, एक्यूमिलेटेड वेरिएशन का मतलब होता है खानदान से आई हुई वेरिएशन ना, वो मेरी मम्मी के मम्मी और पापा, यानी कि मेरे नाना नानी ना, उनके मम्मी पापा, उनके मम्मी पापा, मुझ में इनके भी करेक्टरिस्टिक्स आए हैं, तो बेटा मुझ में वेरिएशंस क्या आएंगी? ज्यादा आएंगी. और इन दोनों की वेरिएशंस भी मिक्स हो गई, इसकी इनकी वेरिएशन अलग, इनकी अलग, तो मुझ में और भी वेरिएशंस क्या हो गई? ज्यादा हो गई. इतना टॉपिक हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, अब हम आगे डिस्कस करेंगे. ये कहता है देखो बेटा, अब हम लोग ये तो समझ गए कि वेरिएशंस बढ़ जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगी, पर ये कह रहा है देखो, सपोज एक फादर है, उनमें डीएनए का अमाउंट 2x है, और एक मदर है, उनमें भी डीएनए का अमाउंट कितना है बेटा? 2x है. उनसे क्या बना बेटा? एक चाइल्ड बना, और उस चाइल्ड में डीएनए का अमाउंट तो डबल हो जाएगा, पर ऐसा तो नहीं होता, तो कुछ और करेक्टरिस्टिक्स बन जाएंगे. ऐसा ना हो तो इसके लिए किसकी फॉर्मेशन होती है बेटा? गैमीट्स और जर्म सेल्स की फॉर्मेशन होती है. मेरी बात ध्यान से सुनो. देयरफॉर टू मेंटेन द अमाउंट ऑफ डीएनए गैमीट्स और जर्म सेल्स आर देयर इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम और द अमाउंट ऑफ डीएनए इज रिड्यूस्ड टू हाफ. फादर से स्पर्म बना जिसमें एक्स ही डीएनए गया, और मदर से क्या बना बेटा? ओवम बना जिसमें भी सिर्फ एक्स डीएनए गया, तो एक्स और एक्स मिलकर चाइल्ड में एक्चुअली कितना डीएनए हो गया? 2x हो गया. देखो ध्यान से समझो प्लीज, ये क्या कह रहा है. आई एम जस्ट राइटिंग द थ्योरी, वी विल फोकस इट पैरेलली विद द डायग्राम और फ्लो चार्ट. बट इफ ईच जनरेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ DNA from 2 organisms the amount of DNA will become 2x. देखो बेटा ये कह रहा है कि अगर हर जनरेशन कॉम्बिनेशन है डीएनए का दो ऑर्गेनिज्म से, तो अमाउंट ऑफ डीएनए कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, पर ऐसा तो नहीं होता. देयरफॉर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ओनली हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स
and half amount of DNA is transferred to न्यू ऑर्गेनिज्म. देखो नए ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर हो जाएगा या फिर नेक्स्ट जनरेशन में, और नेक्स्ट जनरेशन किसकी हेल्प से जाता है? आधा विद द हेल्प ऑफ जर्म सेल्स और गैमेट्स. क्या से इतना समझ में आ गया होगा? आगे क्या कहता है? आगे कहता है यूनियन ऑफ जर्म सेल्स फ्रॉम टू ऑर्गेनिजम्स रिजल्ट्स इन रिकवरिंग द अमाउंट ऑफ डीएनए. देखो भैया दो जर्म सेल्स मिले तो अमाउंट ऑफ डीएनए रिकवर हो गया. देखो बेटा आपको फ्लो चार्ट में समझ में आ रहा है कि 2x का 2x रह गया. ये एक एग्जांपल है बेटू, आगे समझेंगे. ये क्या कह रहा है? इन वेरी सिंपल ऑर्गेनिजम्स, और जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना बेटा, मेल एंड फीमेल जर्म सेल्स आर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. देखो मेल और फीमेल जर्म सेल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग नहीं होते हैं, ठीक है, सिमिलर होते हैं, और दे आर इवन सिमिलर, एक जैसे भी होते हैं. आगे समझो. बट इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बोथ जर्म सेल्स आर डिफरेंट. बेटा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में दोनों जर्म सेल्स क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं. ध्यान से समझना कैसे अलग होते हैं. ये कहता है मेल गैमीट इज स्मॉलर एंड मोटाइल. देखो मेल का गैमीट स्मॉलर होता है और मोटाइल होता है. मोटाइल मतलब मूवेबल होता है. व्हाइल फीमेल गैमीट इज लार्ज एंड कंटेन्स स्टोर्ड फूड. भैया वो बड़ा होता है और उसमें क्या होता है? फूड स्टोर्ड होता है. इस वीडियो के लिए इतना काफी है. थैंक यू सो मच.